नव निर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए जो आपने आज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, तो क्या उद्देश्य है सरकार का और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं जो इनसे पूर्व में भी जो है सो वो निर्वाचित हुए थे या कई बार से निर्वाचित हुए थे, और बहुत सारे जो है सो ऐसे प्रतिनिधि हैं जो पहली बार जो है सो चुनाव जीतकर जनता की सेवा के लिए आए, तो उनको उनका जो है सो क्या अधिकार है, उनका क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों को जो है सो एक विशेष जानकारी के लिए जो है सो जिला प्रशासन की ओर से जो है सो एक प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का जो है सो आयोजन किया गया है, जो कि 3 दिवसीय 3 दिन तक होना है, और ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी प्रकार की गतिविधि होती है उन सभी चीज़ों को जो है सो इसमें जो है सो बताने का काम किया जाएगा, अच्छे से जो है सो प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा, ताकि जो है सो बेहतर काम कर सके ये लोग अपने क्षेत्र। क्या शुभ नाम आपका? सुनील कुमार। किस पद पर हैं? हम इस प्रखंड में जो है सो तकनीकी सहायक के पद पर हैं। कितने सहयोगी के साथ आप मीटिंग दे रहे हैं? 5 सहयोगी हैं, जिसमें जो है सो हम 2 लोग तकनीकी सहायक हैं, एक हमारा अकाउंटेंट साहब है और 2 कार्यपालक सहायक हैं, तो हम 5 लोग को जो है सो 3 दिन कंटिन्यू चलती रहेगी। क्या समय है आने का और क्या समय है जाने का? 10:45 से जो है सो सुबह में इस प्रशिक्षण का कार्यक्रम आरंभ किया जाना रहता है, और जो है सो ये 3:45-4 बजे तक जो है सो प्रशिक्षण दिया जाना रहता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो सदस्य आएंगे उनको अलग से कुछ आय भत्ता भी है? इसके संबंध में जो तो है हमको विशेष जानकारी है नहीं, वैसे जैसे हम बात करते हैं इसके लिए जिला लेवल पर कि क्या इसकी भत्ता है। आज पहला दिन था? नहीं, इससे पहले जो है सो 2 बैच का हो चुका है अपने ही प्रखंड में, लगभग 7 पंचायत का प्रशिक्षण हो चुका है, ये जो है सो अभी 3रे बैच का जो है सो पहला दिन प्रशिक्षण आरंभ किया गया है। धन्यवाद।